हेलो गाइस, मैं हूं फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल। गाइस, आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के घर लेकर चल रहा हूं, जो कि इनका घर सरदार गली में और मोहल्ला चमाला में है। तो गाइस, जो कि रफ़ी साहब वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बड़े बड़े सॉन्ग गाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो गाइस, उन्होंने अपनी 19-20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गाने की शुरुआत की उन्होंने। और गाइस, उन्होंने बहुत से गाने गाए, उन्होंने बहुत ही उन्होंने शोहरत कमाई उन्होंने। तो गाइस, काफ़ी उन्होंने गाने गाए हुए हैं। गाइस ये देखें, ये गली है। और गाइस ये देखें, ये गाइस देखें कि ये इनका वो लिखा हुआ नाम ये आपको नज़र आ रहा होगा, मोहम्मद रफ़ी। जो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो रहा करते थे और यहाँ पे वो रियाज करते थे। ये देखें गाइस, ये वो दरवाज़ा है, ये मेरे पीछे, ये देखें, ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इनका, जो कि मोहम्मद रफ़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे उन्होंने गाने वगैरह गाते थे यहाँ पर, तकरीबन 19-20 साल की उम्र में। ये गाइस ये देखें, ये वो बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी सॉन्ग गाए हैं, बहुत हिट भी हुए हैं, और सॉन्ग काफ़ी उनके हिट हुए हैं, जो कि गाइस मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत से सॉन्ग हैं जो उन्होंने गाए हैं। गाइस ये देखें कि ये वो उनका नाम है उनका। गाइस ये देखें, आपको मैं कैमरे की मदद से दिखा रहा हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन्होंने बहुत से गाने भी गाए हैं, जिसके अंदर गाना इनका बहुत ही एक हिट हुआ गाना उनका, जो गाना था, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, महके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो गाइस, ये काफ़ी इन्होंने सॉन्ग गाए हुए हैं, जैसे कि और भी काफ़ी सॉन्ग थे जो के थे, मैं एक राजा हूँ तो एक रानी है। काफ़ी सॉन्ग उन्होंने गाए हैं जो कि काफ़ी हिट हुए हैं सॉन्ग। गाइस ये देखें, ये वो बिल्डिंग का हिस्सा, ये देखें, ये इनका दरवाज़ा है जहाँ मैं ये दरवाज़े के पास खड़ा हूँ। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे रफ़ी साहब रहते थे यहाँ पे। ये वो गली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखें। और गाइस, सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है, और आपने कमेंट्स में जाके मुझे बताना है कि आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस, ये मैंने आपको दिखाया कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर है, जहाँ पे गाने वगैरह इन्होंने 19-20 साल की उम्र में गाना शुरू किया उन्होंने।
और बहुत ही इन्होंने हिंदुस्तान में बहुत ही मकबूलियत पाई उन्होंने। तो गाइज़ मेरे पास तो वो लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए जो कि उन्होंने बहुत से सॉन्ग गाए हैं। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, अपने हिंदुस्तान चले गए, तो फिर वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मकबूलियत हासिल की, काफ़ी शोहरत हासिल की उन्होंने, रफ़ी साहब ने। तो गाइज़ आपने मुझे बताना है कि आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और गाइज़ सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखा हमने कि ये बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये देखें गाइज। आज का जो हमारा जो विज़िट था वो था मोहम्मद रफ़ी साहब, जहाँ पे वो पैदा हुए थे और यहाँ पे गाने वगैरह गाया करते थे। तो गाइज़ आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर जाके कि आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और गाइज़ सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। और गाइज़ ये बिल्डिंग के पीछे जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखें ये पीछे बिल्डिंग, ये पीछे दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। तो गाइज़ अपना आपने ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझको फ़हीम शाह को दुआओं में याद रखना है। मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी वो आपने मुझे कमेंट्स में जाके मुझे बताना है आपने कि आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। गाइज़ ये देखें ये वो बिल्डिंग है, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की मदद से, ये देखें ये वो बिल्डिंग है और ये वो दरवाज़ा है उनके घर का। और यहाँ पे उनका बचपन वगैरह यहाँ पे इनका गुजर गया। तो गाइज चलते हैं हम। गाइज ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और आप सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। ये गाइज ये देखें ये काफ़ी यहाँ पे पुराने बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये देखें ये देखें, जो कि ये देखें। तो गाइस ये गली आपको मैंने दिखाई और ये उनका मोहम्मद रफ़ी साहब का, ये मैंने पीछे आपको उनका मकान दिखाया जहाँ पे वो मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे, रहते थे यहाँ पे। तो गाइज़ आपने मुझे कमेंट्स में जाके बताना है कि आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और गाइज़ सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। लो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे तो गाइज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने डैड का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझको फ़हीम शाह को दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।